हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब का अपडेट लेके आया हूँ जो कि मेघालय SSA की तरफ से है। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दोस्तों ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोऑर्डिनेटर SSA साउथ वेस्ट गारो हिल्स अम्पट्टी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन करीबन 17 मार्च को रिलीज किया था और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द फ्लोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द पोस्ट इज प्योरली टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द 6 months एंड एक्सटेंडेबल अप टू 1 year आफ्टर हाफ ईयरली रिव्यू ऑन द सेटिस्फैक्ट्री। तो दोस्तों, बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होने वाला है आप लोगों का, जो कि आफ्टर 6 months आप लोगों को रिन्यू करके रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप लोगों का 6 months के लिए ये जॉब पहले होगा, उसके बाद आप लोगों को फिर से दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना। और उससे पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल के वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियोज को भी लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोस्ट का नाम ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला पोस्ट है दोस्तों ब्लॉक रिसर्च पर्सन। ठीक है, और इसके लिए पोस्ट है दोस्तों टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है, और इसका सैलरी होने वाला आप लोगों का अप टू 20,493 रुपीज़ आप लोगों को हर महीना आप लोगों को सैलरी मिलेगा, जो कि फिक्स्ड है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दोस्तों क्वालिफिकेशन है दोस्तों ग्रेजुएट विथ बीएड या टू एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक्सपीरियंस आप लोगों का 1 से 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला है BMC SSA दमालगिरी ब्लॉक, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड पोस्ट है दोस्तों, सेकंड पोस्ट है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS। इसका पोस्ट है दोस्तों 1 और इसका सैलरी होने वाला है आप लोगों का 10,000 पर मंथ। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों BCA MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 2 ईयर्स। ठीक है, और इसका पोस्टिंग होने वाला है दोस्तों आप लोगों का BMC SSA दमालगिरी ब्लॉक, ये भी दमालगिरी पे आप लोगों का पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों पोस्ट नेम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए भी पोस्ट है 1 और इसका सैलरी होने वाला है आप लोगों का 8,000 पर मंथ। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों ग्रेजुएट विथ कंप्यूटर नॉलेज इन MS Office फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएट के साथ आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए भी वर्किंग एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का, लोकल लैंग्वेज प्रीफर्ड है। उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला है दोस्तों BMC मतलब दमालगिरी पे ही आप लोगों का इसका भी पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ एलिजिबल एंड सुइटेबल कैंडिडेट शुड अप्लाई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म से अप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप लोगों का जो बायोडाटा है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो 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 आप लोगों का डॉक्यूमेंट है SC ST OBC सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, आप लोगों का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसा कुछ आप लोगों का जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो एक एक कॉपी जेरोक्स करके आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, तो कहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों सबमिट करना है आप लोगों को ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर साउथ वेस्ट गारो हिल्स अम्पट्टी पे। ठीक है, तो इस ऑफिस पे आप लोगों को सबमिट करना है बाय हैंड या तो बाय पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाय पोस्ट करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाय हैंड ही सबमिट करना, क्योंकि इसका लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों आप लोगों का 25 मार्च। ठीक है, तो 25 मार्च उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बिफोर 25 मार्च आप लोग अप्लाई करना। ठीक है, तो 25 मार्च तक आप लोगों के लिए टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया हुआ है आप लोगों के पास, तो आप लोग जल्दी से फटाफट अप्लाई कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन कर देगा, आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू मिथिला एंड कांची कान।